प्रदेश में भारी बरसात के बाद अब जैसे जैसे गांवों में नेटवर्क की सुविधा पहुंच रही है, वैसे वैसे ही अब पिछड़े क्षेत्रों में बारिश से हुए नुकसान का पता चल पा रहा है। कुल्लू जिला मुख्यालय की लगघाटी में बिजली व सड़क सुविधा प्रभावित हो गई है। ऐसे में लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जगह जगह सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। लोक निर्माण विभाग की एक पुरानी मशीन लगी है जो कि कछुआ की चाल से चल रही है, जिससे घाटी के लोग बहुत ही खफा है। वहीं फलान पंचायत की जिंदी गांव में एक दर्जन घर खाली किए गए। आपको बता दें कि घरों में पीछे से मलबा आने का खतरा है। स्थानीय ग्रामीण अभिषेक ठाकुर ने बताया कि भारी बारिश के कारण जिंदी गांव के एक दर्जन मकानों को खतरा पैदा हुआ है। उन्होंने कहा कि गांव में भूस्खलन की जद में आने से गांव को खतरा पैदा हो गया, जिससे लगभग एक दर्जन घरों को खाली करना पड़ा। ऐसे में सरकार और प्रशासन से मांग है कि वे गांव का मुआयना कर लोगों को राहत पहुंचाए, ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। तारीख को सुबह 7:30 बजे भारी बारिश से आने के कारण वीरचंद, आत्मराम, दीवानचंद इनका घर पूरी तरह से नष्ट हो चुका है और आगे हमारे 10-15 घर आगे और भी है जो उनको भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। बोल। भारी बारिश होने के कारण हमारे 15 घर बेघर हो चुके हैं, जिसमें वीर सिंह, दीवानचंद, बागचंद, चौहान सिंह, हरि सिंह, केर सिंह, तेज सिंह, केशव राम, रेशु देवी, डावे राम, छप्पे राम, कालू राम, धन सिंह, सुभाष और चौबे राम इनका बहुत एक हमारे युगल सिंह और रामदास इनके घर को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो चुका है। जो हमारा मलबा ऊपर से आ चुका है वो उनके घर में घुस चुका था, जिससे हमारे गांव के सभी ने अपना सहयोग किया, जिस कारण हमने इनका घर बचाया और अपने परिवार को, जो हमारे 15 बेघर घर हो चुके हैं, ये अपने परिवार अपना घर छोड़कर किसी और जगह पर रह रहे हैं। जो हमारा ये एरिया लैंडस्लाइड हो रहा है, ये कभी भी हो सकता है, इसलिए हम विभाग से यही अनुरोध करते हैं कि जैसे हमारे रोड निकलता है वो सबसे पहले मेरे पंचायत प्लान आए, क्योंकि हमारे पूरे पंचायत में हमारे ज़मीन पूरी तरह से घिस चुकी है जैसे। और मैं अब हिमाचल सरकार से भी अनुरोध करता हूं कि वो जितना भी मुआवजा दे सके इनको दे सके, और श्री सुंदर सिंह ठाकुर से भी ये अनुरोध करता हूं कि इनको जितना मुआवजा देने में इनकी सहायता करें।